दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्र ज्वेलर्स सोलन। मोटर व्हीकल एक्ट में रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है जो कि गजट में पब्लिकेशन के बाद हमें सभी को फील्ड ऑफिसर्स को प्रोवाइड करवाया गया और उसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं। काफ़ी सारे जो ऑफेंसेज हैं उनका जो पेनल्टी है उसका अमाउंट इंक्रीज हुआ है और जो चलान इशू करने की अथॉरिटीज़ हैं जो ऑफिशल्स इसके लिए ऑथराइज्ड है उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि पब्लिक में हम आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से जो है वो जानकारी शेयर करें और पब्लिक में ये मैसेज जाए कि क्योंकि पेनल्टी भी बढ़ी है और कुछ और बदलाव भी मोटर व्हीकल एक्ट में आए हैं तो वो सबको अवेयरनेस जनरेट की जाए ताकि किसी भी प्रकार की मैं कहूँगी कि एक विरोधात्मक जो है या नेगेटिव जो है परसेप्शन लोगों के बीच में ना जाए इसके बारे में। और एक्ट का जो अमेंडमेंट का बेसिक कारण है कि लोग जो और सचेत होकर मोटर व्हीकल्स ड्राइव करें ताकि एक्सीडेंट्स कम हों और दुर्घटनाएं उसमें कमी आए तो वो ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करें। और इसके लिए आज मीटिंग में सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अवेयरनेस जनरेट करें, स्पेशल कैंपेन्स करें। डीएसपी मैडम भी जब अपनी दौरे पे होती हैं तो इस इशू को एड्रेस करें, लोगों के बीच इस मैटर को ले जाएं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आपके माध्यम से इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाएं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस हो। और यदि अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद भी और हमारे प्रयासों के बाद भी कुछ लोग इसके वायोलेशंस करते हैं तो नए एक्ट के अनुसार ही उनके साथ हम डील करेंगे। लेकिन पहली हमारी कोशिश रहेगी कि लोग इसके बारे में अवेयर रहें, सचेत रहें और ये सिचुएशन ना आए। लेकिन फिर भी जो वायलेटर्स हैं उनके अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट और फर्म कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की।